नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ भाई, लोकल वीआई हैं उनके अलावा उनका 90% लोग विदेशी रहते हैं। जी हाँ, तो कानून की जानकारी रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होती है तो बंदा फंसता जल्दी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको पता है कि गाली देने से कितनी सज़ा होती है और अपने ऊपर FIR हो सकती है तो आप गाली नहीं देंगे, और आपको पता है कि मारपीट करने से कौन सी धारा लगती है और कितनी सज़ा होती है तो आप गलत काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आप UAE में रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, जी हाँ, और अगर वो भी हालांकि कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, अगर वो बिना शादी किए हुए गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके साथ में क्या कानूनी समस्याएं आएंगी गर्लफ्रेंड के और बॉयफ्रेंड के दोनों के। जी हाँ, और दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर आप अबॉर्शन करवाते हैं यानी गर्भपात करवाते हैं या करवाने की सोचते हैं तो क्या सज़ा हो सकती है UAE के अंदर। इस दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, ये आपके काम आने की बात हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। इसी तरह के रोज़ नए वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, आप यकीन मानिए 2020 से पहले तक बिना शादी किए किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, यानी बोले तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गलत देश में UAE की बात करें तो जी हाँ, उसके ऊपर सीधी सीधे मुकदमा, आपराधिक मुकदमा बनता था, सज़ा होती थी लंबी चौड़ी, समझ गए बात को। लेकिन UAE एक ऐसी कंट्री है कि सभी देशों को साथ में वहाँ पे लोग रहते हैं। इसी सिस्टम को देखते हुए UAE ने 2020 लास्ट में, आपको पता है 2021 में कानून बनाया था, और 2021 में जो कानून बना था उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि आप बिना शादी किए हुए शारीरिक संबंध बना सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध बनाने यानी शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ये एक कानून बताया गया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि अभी जनवरी 2022 अभी जो सिस्टम शुरू हुआ इसमें और थोड़ा करेक्शन किया गया है। हालांकि UAE सरकार अच्छी मानता हूं मैं कि वो कानूनों में करेक्शन करती रहती है, इंडियन वाला सिस्टम यहां पे नहीं है। जी अच्छी बात है ये। देखिए अभी मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में UAE में रह रहे हैं, वो गर्भवती हो जाती है, उम्र 18 साल से ऊपर यहां पे होना जरूरी है, आप सबको पता है। 2022 से आपको सिस्टम थोड़ा सा मैं बता दूं विस्तार से कि आप जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है लड़की की, आप उनके साथ में एक कमरे में, एक फ्लैट में, एक रूम में रह सकते हैं। जी हाँ, ये आपको कानूनी मान्यता मिल चुकी है UAE में, जो सबको पता होगा आपको। जी हाँ, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि अगर आप लव इन में रहते हैं, लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बिना शादी की हुए, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो गर्भवती हो जाती है, उस दौरान आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर बच्चे को जन्म तो देना ही पड़ेगा, ये तो फिर हालांकि देखिए बिना शादी किए हुए माँ बाप लोग बनते हैं, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कोई कानून अभी तक आया नहीं है सरकार की तरफ से कि भाई इसको हम इस तरीके से डील करेंगे, अभी इस पर कोई डील वाला सिस्टम हुआ नहीं है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो भाई गलत, ये एक तरह की गलती, हालांकि इसको आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा, पहले आपराधिक मामला था, लंबी सज़ा होती थी, अभी इसको चेंज कर दिया गया है कि भाई बिना शादी किए हुए अगर कोई महिला गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है, जी हाँ, तो दोनों को, माँ और फादर, मदर और फादर को, दोनों को 2 साल की सजा होगी। हालांकि मामला आपराधिक दर्ज नहीं किया जाएगा, नॉर्मल वे में दोनों को 2 साल की सजा होगी। जी हाँ, अब इससे बचने का ऑप्शन क्या है? जी तो इसके दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो आप या तो, आपको पता है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट होने वाली है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए UAE के अंदर, तो आप लीगल हो जाएंगे, ठीक है जी, तो आपको सज़ा का सिस्टम है वो बच जाएगा। या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट, जो बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप जिस देश के भी हैं वहाँ के अपने लीगल डॉक्यूमेंट आपको पेश करने होंगे और आपको शादी वाला डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिखाने होंगे, जिससे आप ये 2 साल की सज़ा से बच सकते हैं। वरना भाई अगर आप अनमेरिड हैं और गर्लफ्रेंड अगर बच्चा जन्मती है तो 2 साल की मदर और फादर को, दोनों को सज़ा का प्रावधान बताया गया है। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि यार कई बार ऐसा हो जाता है कि अबॉर्शन करवा लें, गर्भपात करवा लें, तो ये बिल्कुल गलत है, सोचना भी पाप है। जी हाँ,
क्योंकि आप एक इंसान के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं जो दुनिया में आने से पहले ही, दुनिया में आंखें खोलने से पहले आप उसकी हत्या करना चाह रहे हैं। जी हाँ, अपने स्वार्थ के पेटे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने संबंध बनाए, बच्चा जब आपको लगा कि ये अपनी दिक्कत करेगा तो आप गर्भपात या अबॉर्शन कराने की सोच रहे हैं, वो आपका स्वार्थ ही तो है ना। सीधा सीधा इसमें वीआई में 5 से 7 साल तक की सजा का ऑप्शन है। जो गर्भपात करवाने के जो आपको प्लान बता रहा है, जो आपको टेबलेट दे रहा है, जो आपको हॉस्पिटल में ज्ञान दे रहा है ना, उसको सीधा सीधा 5 से 7 साल की सजा होगी। जी हाँ, और उसके साथ में आपका, आप भी लपेटे जाओगे, आपकी सजा तो फाइनल होनी है, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है। हालांकि सभी देशों में ही कानूनी जुर्म है भाई, हालांकि इसमें कुछ छूट मिल सकती है। कैसे छूट मिल सकती है? जैसे आप गर्लफ्रेंड आपकी या कोई भी महिला गर्भवती है, उसका जो भूरण है वो 120 दिन तक का है, 120 दिन तक का। जी हाँ, तब भी मान्यता, तब आपको परमिशन लेके उसका गर्भपात या फिर अबॉर्शन करवा सकते हैं, जब डॉक्टर लिखित में दे कि बच्चा जन्मने के बाद उसको प्रॉब्लम होगी, या बच्चा को भयंकर बीमारी है, ये मर जाएगा, या फिर बच्चे मदर और बच्चे को दोनों को, जच्चा और बच्चा दोनों को परेशानी हो सकती है, या इनमें से किसी की डेथ हो सकती है, यानी भयंकर रीजन होने की वजह से, सीरियस रीजन होने की वजह से आपको 120 दिन तक गर्भपात कराने का ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये फालतू ख्याल आते हैं तो सजा के लिए आपको वीआई जैसी कंट्री में तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, बाकी सिस्टम तो इंडिया में भी है, लेकिन भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बड़ी तो बोले तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे सिस्टम एकदम लूज है, चलता है, कोई सख्त कानून नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर चल जाता है। बाकी यहाँ पर भी लीगल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, सजा का प्रावधान यहाँ पर भी है, आए दिन लोग पकड़े जाते हैं वो मशीन के साथ में, पता नहीं कैसे कैसे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन वीआई जैसी कंट्री में गलती से भी गलती करेंगे तो आपको बड़ी सजा का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बस ये अपडेट देना था साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।